नागपुर के लोगों को 24/7 पानी उपलब्ध कराने के लिए जो जलापूर्ति योजना बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई थी वो पूरी तरह से एक घोटाला है। और ये एक सच्चाई है कि आज नागपुर शहर लगभग 75% पानी से वंचित है। इसी मद्देनजर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से 2 जून को भव्य मार्च का आयोजन किया गया है। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त टैंकर लॉबी नगर निगम के दबाव में है और कई इलाकों में अभी भी टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने जब नागपुर शहर को 24 घंटे पानी देने की योजना का गहन अध्ययन किया तो इसके पीछे की हकीकत सामने आई। RTI में प्राप्त दस्तावेज के आधार पर यह खुलासा हुआ है कि नागपुर के नागरिकों पर लगाई गई जलापूर्ति योजना पूरी तरह से फर्जी है और 24/7 पानी की आपूर्ति तत्कालीन सत्ता पक्ष द्वारा दिया गया एक वादाम मात्र था। देखिए, हम पिछले 6 महीने से महानगर पालिका को नागपुर शहर के पानी प्रश्न के लिए सवाल कर रहे हैं। वो लोग OCW को अपने दामाद की तरह ट्रीट कर रहे हैं और उनके खिलाफ जाके कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। और नागपुर शहर की पानी की परिस्थिति बहुत विकट है, इसलिए हम इतनी कोशिश करने के बाद में भी इस प्रशासन के ध्यान में नहीं आ रहा या जानबूझ के लोग कर रहे हैं। इसलिए ये जो हमारा निषेध है वो रास्ते पे उतर के लोगों को दिखाना है, शासन को इसकी दखल लेने के लिए हम ये अलग तरीके का आंदोलन कर रहे हैं। इसके पहले जो हमने आंदोलन किया था वो तो सिर्फ आयुक्त हमको पानी प्रश्न के लिए बात करने के लिए हमको टाइम नहीं दे रहे थे, इसके लिए हमने आंदोलन किया था। वो आंदोलन करने के बाद हमको आयुक्त ने टाइम दिया और टाइम देने के बाद जो जवाब उन्होंने दिया वो जवाब बहुत गलत तरीके का जवाब देने की वजह से, और वो जवाब इतने बड़े रिस्पेक्टेड अधिकारी ने लिखित में दिया है और वो लिखित में देने वाला जवाब भी गलत तरीके का जवाब है जो कि प्रैक्टिकलिटी से मैच नहीं होता, इसलिए हम ये मोर्चा ले रहे हैं। क्योंकि अभी महानगर पालिका ने जो हमको हमारे सवालों का जवाब दिया है वो जो जवाब दिया है वो प्रैक्टिकलिटी से मैच नहीं कर रहा है और वो खुद ही हमको जो जवाब दे के फंस गए हैं, इसीलिए हमारे पास में बहुत सारे एविडेंस आ चुके हैं। इसीलिए अगर मोर्चा के माध्यम से अगर ये प्रशासन ने OCW का करार रद्द नहीं किया तो आने वाले दिनों में हम ये न्यायालय में जाके जनहित याचिका दाग के इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कराने की कोशिश करेंगे। मनसे ने सहायक आयुक्त अधीक्षक अभियंता और कार्यकारी अभियंता से मुलाकात की और विस्तृत चर्चा की, लेकिन वे पूरी तरह से बेबस नजर आए। असली सवाल यह है कि नगर निगम OCW के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, जबकि OCWL कंपनी जो कि एक राजश्रेय है नगर निगम के किसी भी अधिकारी की सराहना नहीं करती है और उनकी मनमानी जारी है। 25 साल के कार्यकाल के 15 साल बाद भी अगर नागपुर के 75% लोग पानी के लिए परेशान है तो सवाल उठता है कि ऐसी कंपनी को कितना और क्यों मौका दिया जाए। नगर आयुक्त से मिलने की बात कहने पर 3 महीने तक बैठक टालने वाले आयुक्त के पास विरोध करने के अलावा कोई भी चारा नहीं है और इसी वजह से 2 जून को महामोर्चे का आयोजन किया जा रहा है। NBC न्यूज के लिए राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।